लड़के को लड़के से हुई मोहब्बत, रोज करने लगा ऐसा काम, लेकिन जब एक दिन किया मना तो ले लिया इंतकाम। नवाबी शहर में नवाबी शौक में आई अड़चन, तो प्यार में पागल लड़के ने प्रेमी और उसकी माँ को बनाया निशाना। मोहब्बत में पड़ा खलल तो फिर मुंह पर डाल दिया कुछ ऐसा कि जल गए मोहब्बत के जज्बात और प्रेमी का चेहरा। थर्ड जेंडर ने अपनाई टॉर्चर की थर्ड डिग्री, पुलिस हिरासत में आरोपी ने जो उगला उसने दहला दिया दिल। अंधा इश्क कई बार मुसीबत का कारण बन जाता है, और इश्क अगर मर्यादाओं को पार करने वाला हो तो फिर सस्ती लोकप्रियता का भी कारण बन जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला नवाबी शहर लखनऊ में, जहां नवाबी शौक एक युवक को भारी पड़ गए और उसी के कथित प्रेमी ने कुछ ऐसा कर दिया कि युवक अपनी मां के साथ अब अस्पताल में भर्ती है। मामला समलैंगिक संबंधों से जुड़ा है, जहां दो लड़कों को आपस में प्यार था, रोज प्यार मोहब्बत में दोनों हदों को पार कर रहे थे, लेकिन एक दिन प्रेमी ने जब दूरी बनानी शुरू कर दी तो फिर जो हुआ उसने तो हंगामा बरपा दिया, और अब एक प्रेमी अस्पताल में इलाज करवा रहा है तो दूसरा प्रेमी सलाखों की कैद में है। पुलिस हिरासत में गिरफ्तार आरोपी ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिनसे पुलिस भी हैरान है कि समाज में ऐसा भी कुछ हो रहा था और होता है। दरअसल राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में मां बेटे पर हुए अटैक का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पुलिस गिरफ्त में आए विक्रम उर्फ विक्की ने पूछताछ में बताया कि मेरे और विकास के बीच पिछले 8 सालों से घनिष्ठ अंतरंग संबंध हो गए थे। अब उसका प्रेमी विकास उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था, जिससे नाराज होकर विक्रम ने अपने साथी मोहित और दीपक के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। लखनऊ के DCP हृदेश कुमार ने बताया कि 29 जनवरी की रात गोमती नगर के विराम खंड 3 इलाके में पीड़ित विकास के घर का दरवाजा अचानक किसी ने खटखटाया। पीड़ित की मां ने दरवाजा खोला तो विकास को बुलाने के लिए कहा गया। जैसे ही विकास दरवाजे पर आया तो आरोपियों ने बोतल में रखा ज्वलनशील पदार्थ दोनों के चेहरे और सीने पर फेंक दिया, जिसके छींटे पीड़ित की मां पर भी गई, जिन्हें लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहां से डॉक्टर्स ने उन्हें सिविल अस्पताल में रेफर कर दिया। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए इस घटना की जांच पड़ताल भी शुरू की। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज, सर्विलांस से मदद लेने के बाद थाना बवाना दिल्ली से आरोपी विक्रम उर्फ विक्की और मोहित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से दूर है। पुलिस की पूछताछ के दौरान गिरफ्त में आए विक्रम और मोहित ने चौंकाने वाला खुलासा किया। विक्रम ने पूछताछ में बताया कि पीड़ित और उसके बीच फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। 1 साल बाद दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया। विक्रम ने बताया कि मेरे और पीड़ित के बीच लगभग 8 सालों से घनिष्ठ अंतरंग संबंध थे, जिनमें हर तरह का संबंध बना और हम पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रिश्ता साझा कर रहे थे, लेकिन पीड़ित अब उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता था, जिससे वो काफी दिनों से तनाव में था और पीड़ित को साथ रहने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तब उसने गुस्से में आकर ऐसा कदम उठाया। 29 जनवरी को विक्रम पूर्व योजना के तहत अपने मामा के लड़के मोहित कुमार और दीपक को अपनी योजना में शामिल करते हुए दिल्ली से लखनऊ आया। इस दौरान उन्होंने एक परिचित से कुछ निजी काम बताकर मोटरसाइकिल ली और इस घटना को अंजाम दिया। DCP ईस्ट ने बताया कि आरोपी विक्रम इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है, साथ में उसने BTech की पढ़ाई भी की है। विक्रम का साथ देने वाला उसका दोस्त मोहित पहले भी मारपीट के मामले में जेल जा चुका है। हालांकि विक्रम का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पीड़ित के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरीके से इस हमले में झुलस गया है, साथ ही पीड़ित की मां भी अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित को आराम मिलते ही पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा और उसके बाद मामले में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।